धनबाद के बैंकमोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार दर्री मोहल्ला स्थित चादर कंबल की दुकान में नरेश टेक्सटाइल में मध्यरात्रि लगभग 2 बजे भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। 5 लाख रुपए से अधिक मूल्य की कीमती सामान के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। दुकान से आग की लपटे देख बैंकमोड़ थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी रुकी और अग्निशमन विभाग को फोन कर जानकारी दी। आग की लपटे देख पुराना बाजार के पूर्व चैम्बर अध्यक्ष सोहराग खान भी पहुंचे। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कुछ देर बाद दमकल की दूसरी गाड़ी भी पहुंची और कड़ी मशक्कत से आग को बुझाया गया। पुराना बाजार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सोहराब खान सहित स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में काफी मदद की। दरी मोहल्ला में कितने बजे? कल मध्य रात्रि 2 बजे की घटना है। बैंक मोड़ थाना के जवानों द्वारा मुझे सूचना मिली कि दरी मोहल्ला में नरेश टेक्सटाइल जो चादर तकिए का कवर और कंबल का दुकान है वहाँ आग लग गई है। मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, चैम्बर का पूर्व अध्यक्ष सोहराब खान। तो सूचना के मुताबिक मैं यहाँ पे आया तो देखा कि आग की लपटें बहुत भयावह है और तत्काल बैंकमोड़ थाना के द्वारा बिजली काटने का काम किया गया। बिजली विभाग को फ़ोन करके अग्निशामक को खबर की गई और अग्निशामक भी समय से आ गया और यहाँ पे स्थानीय लोग और बैंकमोड़ थाना के जवानों की तत्परता रही। मेरा सहयोग रहा कि हम लोगों ने सामने ये जो देख रहे हैं सामने के शटर को हम लोगों ने तोड़ करके बाहर निकाला ताकि वो जो अग्निशामक कर्मी थे उनको आग बुझाने में सहूलियत हो। वरना देखिए ये बहुत ही संक्रमित क्षेत्र है, कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता आसपास की दुकानों को बचाना। ये मालिक का कृपा रहा, लोगों का सहयोग रहा कि एक दुकान में जो क्षति हुई है वो वक्त में कोई भी माल बचा नहीं। कितने का क्षति हुआ होगा सर? लगभग तकरीबन देखिए अनुमान लगाना अभी तो बड़ा मुश्किल है लेकिन लाखों की क्षति थी क्योंकि अभी कारोबार सर्दी का था। ये कंबल विक्रेता है और चादर वगैरह बेचते हैं, ये तो दुकानदार बेचारा मारा ही गया लेकिन आसपास के दुकानों को बचा लिया गया, ये लोगों का सहयोग रहा।